नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खास खबरों पर। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 72 घंटे से बर्फबारी के बावजूद आज 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। 20 क्विंटल फूलों से सजाया। बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब, गोवा में एनआईए की रेड, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ी 17 लोकेशन पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। नीतीश ने कहा, पीएम बनने की कोई मंशा नहीं, देश हित में काम करना मकसद। कोर कमांडर स्तर की वार्ता विफल, अब भारत चीन रक्षा मंत्रियों की बैठक से है उम्मीद। रोड शो के दौरान कोच्चि की सड़कों पर चलकर पीएम मोदी ने सभी को चौंकाया। असम में उग्रवादी संगठन केएलओ के 2 कैडर मारे गए, 4 लोग गिरफ्तार। अमित शाह ने जगदीश शेट्टार के जाने को तवज्जो नहीं दी, बोले कर्नाटक में भाजपा जीतेगी। आइए अब देखते हैं राज्यों की खास खबरें। राजस्थान में 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन नहीं मिल पाने से बच्चे की मौत। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा, महंगाई राहत कैंप गहलोत सरकार का दिखावा, राहत शिविर के नाम अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे गहलोत। राजस्थान में प्रदेश व जिला स्तर पर होगा भैरव सिंह शेखावत के जीवन दर्शन पर प्रदर्शनी का आयोजन। चचेरे भाई की डंडे से पीट पीट कर हत्या, नोएडा में पत्नी से अवैध संबंधों का था शक। हरियाणा के पानीपत में दाह संस्कार किया गया, व्यक्ति जिंदा पाया गया। अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की प्रमुख खबरों पर। 40 डिग्री तापमान में 4 लेयर के कपड़े पहन डीनो मौर्या ने की एजेंट की शूटिंग। सारा अली खान ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, लिखा कुछ इंच कम करने हैं इसलिए पंच कर रही हूं। आइए अब जानते हैं खेल जगत की खास खबरें। आईपीएल 2023, अक्षर पटेल का दोहरा वार, हैदराबाद को दिल्ली से मिली हार। शारजहां स्टेडियम के स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर रखा गया। सिंधु, साइना और प्रणय बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में भारत का नेतृत्व करेंगे। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन को लैंड एक्वायर के लिए मिला 1,000 करोड़। 30% कर वसूलने की गूगल की जागीरदारी की गेमिंग कंपनियों ने की निंदा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। ईरान ने यूरोपीय संघ, ब्रिटिश नागरिकों व संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध। कैदियों की अदला बदली के लिए रूस व यूक्रेन के बीच बातचीत। सिंगापुर में मलेशियाई भारतीय को जानवरों की तस्करी के आरोप में जेल। शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।